वहीं बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, बताते चले इंटरनेशनल ऑटो लिफ्टरों का गैंग गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से भारत में चोरी की गाड़ियों को बेचने का गिरोह वर्षों से चल रहा था और उसी का कारोबार किया जा रहा था। थाना रुपया डीहा की पुलिस टीम ने 11 चोरी की गाड़ियों के साथ 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। थाना रुपया डीहा निवासी रियाज अहमद और अब्दुल सलाम के रूप में गिरफ्तार हुए साथियों की पहचान हुई है। गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। चोरी की गाड़ियों का नंबर प्लेट बदल कर भेजते थे नेपाल और जहां पर इसी गाड़ियों का कारोबार किया जाता था। पुलिस अभी भी पूरी घटना और पूरे गिरोह के जांच में जुटी हुई है। आइए सुने क्या कहा एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने। चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। जब पेपर आ गया तो इनके पास कोई पेपर नहीं था, फिर इनसे जब पूछताछ की तो वाहन चोरी की नहीं थी। फिर और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये क्योंकि एक वाहन चोर का एक इंटरनेशनल गैंग है जो इंडिया से वाहन चुरा करके नेपाल बेचते थे, नेपाल से वाहन चुरा करके ले आकर के इंडिया बेचते थे और वहाँ के नंबर प्लेट लगा करके बदल करके गाड़ियाँ चलाते थे। और अभी तक इनके पजेशन से 11 गाड़ियों का बरामद हुआ है, जिसमें 2 लिंक हो गए हैं, बाकी और 9 गाड़ियाँ हैं, उनको लिंक कराया जा रहा है कि इन्होंने कहाँ से चोरी किया है। सर, इनका नेक्सस क्या और बड़ा है, कई लोगों तक तो जुड़ा है या इनका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है इस पर भी? अभी तो 2 लोग पकड़े गए हैं और इसमें और गहनता से छानबीन और जांच की जा रही है। इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो इनके नेक्सस से जुड़े हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इनका धंधा था, नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल में करते थे क्रूर धंधा। देखिए, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं है, ये इंडिया से जो वहाँ चुराते थे नेपाल में बेचते थे, जो नेपाल से वहाँ चुराते थे ला करके इंडिया बेचते थे। क्या कागज कैसे तैयार करते थे सर? ये लोग कागज नहीं तैयार करते थे, उसका इंजन नंबर 33 नंबर को टेम्पर कर देते और स्थानीय नंबर प्लेट लगा के, जो पुराने वाहन का स्थानीय नंबर प्लेट लगा करके चलते थे। आवाम से क्या बताएंगे कि इस तरह की गाड़ी कैसे सुरक्षित रहे जब लगातार गाड़ियां चोरी हो रही हैं? मेरा लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपकी जो पार्किंग है, पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें और कहीं ऐसी अनजान जगह पर ऐसे स्थान न खड़ा करें जहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था न हो और उसको लॉक करके। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी लॉक की अंदर चले जाते हैं, अभी 2 मिनट हो जाएगा तब तक गाड़ी उठ जाए। सर, ऐसा देखा गया है कि जितने 6 स्पीकर होते हैं बाइक चोरी ही की बाइक का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका कारण किसी को जवाब है? इसमें लोग छानबीन करेंगे, हो सकता है कि इनकी चोरी की वाहन गए। मास्टर बैंडिस क्या थी सर इनकी, मास्टर बैंडिस किस तरीके से अंजाम देते थे ये? एक्चुअली में अगर देखते थे कोई आदमी अगर गाड़ी खड़ा करके चला जा रहा है, अगर वो 10 मिनट वहाँ रुक गया तो फिर उस गाड़ी को नहीं छेड़ते थे, लेकिन तुरंत गाड़ी खड़ा किया और चल दिया, तुरंत उस गाड़ी को उठा लेते। तो इसमें टीम कौन कौन लगी हुई थी, कौन सी टीम इसको वर्कआउट किया और क्या उसके लिए आप घोषणा कर रहे हैं? टीम रुपैडिया और इनके टीम में चौकी इंचार्ज है और इंस्पेक्टर रुपैडिया है, शमशेर सिंह है और चौकी इंचार्ज है अनिल कुमार यादव है, राम गोविंद वर्मा है और इनके साथ और भी जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सराहनीय काम किया है और एसपी मैम की तरफ से इनके 10,000 का नगद इनाम भी। धन्यवाद।